क्या सच में हमें काफी समय तक ऐसे ही लॉकडाउन में रहना होगा? अगर हम लापरवाही करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही से नहीं करेंगे तो हमें जरूर ऐसे ही लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। राइट, सरकार के इतने कहने के बावजूद भी BSO, सब्जी मंडी पर और रेलवे स्टेशन पर जो हुआ है वो लापरवाही नहीं तो और क्या है? इस लॉकडाउन से देश की इकोनॉमी भी तो कमजोर पड़ रही है। यही सबसे बड़ा कारण है, सरकार को आज नहीं तो कल लॉकडाउन पूरी तरह हटाना ही पड़ेगा। तब हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम लॉकडाउन में ना होते हुए भी जरूर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, बिना मतलब अपने घर से ना निकले, और अगर बाहर से कुछ सामान लाए तो उसे ठीक से सैनिटाइज करने के बाद ही इस्तेमाल करें। अपने हाथ को समय समय पर धोएं और अपने चेहरे को बार बार ना छुएं। और अगर कोरोना के लक्षण हमारे बॉडी में दिखते हैं तो तुरंत अपनों से दूरी बना लें। और अगर आपको अपनी बॉडी में कोरोना के सारे लक्षण दिखते हैं तो प्लीज डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। राइट। अगर इन सब नियमों का पालन करें तो लॉकडाउन ना होते हुए भी हम कोरोना से बच सकते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है डरना जरूरी है? हाँ, अब हालत ऐसी हो चुकी है, अगर हम लापरवाही करना कम नहीं किए तो पूरा देश इसकी चपेट में आ सकता है। एग्जैक्टली। अगर कोरोना से लड़ना है तो डरना बिल्कुल जरूरी है, और हमारी सुरक्षा हमारे हाथ।